ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ फिल्म्स। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और यूपी सरकार की ओर से वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने शिव विवाह, गंगा नृत्य, पार्वती स्वरूप और महिषासुर वध पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। 2 घंटे तक मंत्र मुग्ध होकर बनारसियों ने हेमा मालिनी का कार्यक्रम देखा। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोग हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल कहते हैं, लेकिन अब उन्हें दुर्गा के रूप में जाना जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि काशी आइए, यहाँ घाटों पर, मंदिरों में, चौराहों पर, हर हिस्से में जीवन का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये रोजगार स्वरोजगार के बहुत बड़े अवसर खड़े हैं। अगर लोगों को लगता है सिनेमा जीवन का एक हिस्सा दिखाता है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप काशी आइए। जितने भी स्टेशन भी खड़े हैं, बाकी भी थे यहाँ पर स्टेशन बैठे, मैं कहना चाहता हूं अगर काशी आएंगे तो जीवन का हर रूप आप देखने को मिलेगा। कहीं घाट पर देखने को मिलेगा, कभी मंदिर पे, कभी चौराहे पे, कहीं टंकी पर, कहीं बाग पर। काशी में चलता फिरता आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा कि देश के किसी दूसरे शहर में आपको वो अपनी फिल्म के लिए नहीं मिल सकता है। एक और वीडियो शेयर करते हुए अनुराग ठाकुर ने लिखा, काशी फिल्म फेस्टिवल ने उत्तर प्रदेश के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। यह मंच हम इतना बड़ा बना देंगे कि आने वाले समय में यहां अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। आपको लगता हो कि काशी फिल्म फेस्टिवल को फिर करवाना चाहिए, तो एक बार फिर ताली की बजा सकते हैं। और जिसको लगता हो 2 दिन के बजाय 3-4 दिन कराना, खड़े होकर भी ताली मार सकता है। हेमा जी ने एक बात बड़ी शानदार कही, हर कोई फिल्म में नहीं आ सकता, लेकिन कलाकार के अंदर एक खाब होता है, ऐसे मंच का जहां पर लोग उनको देख सके, ताली बजा सके, पीठ थपथपा सके, अगले दिन अखबार में उनके बारे में कुछ लिख सके। और ये मंच हम इतना बड़ा बना कर देंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के कलाकारों को आने वाले समय में यहाँ पर अवसर ही अवसर मिल रहा है। और मैं तो क्या, मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में स्वयं महाराज जी के साथ नीचे बैठा बात कर रहा था कि मुंबई में फिल्म नगरी हो सकती है, हमारा उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। वहीं हेमा मालिनी के लिए यह स्मृति लेन जैसी यात्रा थी। 16 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री से सांसद बनी हेमा मालिनी ने प्रस्तुति के बाद मंच से कहा कि वाराणसी आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि यहां आने के लिए टिकट ही नहीं मिल रहा है। सांसद हेमा मालिनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा, एक लंबे वक्फे के बाद हमने वाराणसी के खूबसूरत ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया। वहीं हेमा मालिनी के प्रस्तुति के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बिना किसी मुकदमे और लड़ाई के दुनिया को समर्पित किया है और भारतीय संस्कृति को बचाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। लोग काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी धाम को देखने आ रहे हैं, यह बेहतरीन है। ना कोई मुकदमा, ना कोई झगड़ा, प्यार मोहब्बत से एक शानदार काम होकर दुनिया को समर्पित मोदी जी ने किया है। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री के नारे विरासत भी विकास भी को दोहराया और कहा कि सरकार ने न केवल देश की विरासत को बचाया है बल्कि विकास के नए आयाम भी जोड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से यहाँ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यह अभी शुरुआत है, आने वाले वर्षों में पर्यटन बढ़ेगा। हालांकि यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सी सौगातें दी जा रही हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं और इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।